सुप्रभात दोस्तों, अभी हम लोग मुंगेली में जो नगर पालिका द्वारा निर्मित गार्डन बनाया गया है वहाँ पे हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आए हुए हैं, और यहाँ के मनोरम दृश्य को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ बार बार घूमने के लिए आना चाहिए। मैं अपने दोस्तों से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे देख के उनको कैसा लग रहा है, बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर। ये फाउंटेन हमको विश्व स्तर का लग रहा है, ऐसा फाउंटेन हमने कहीं देखा नहीं है। देखिए उसके आसपास कटीले झाड़ियों का वृक्षारोपण किया गया है जिसपे बहुत ही मेंटेनेंस और मेहनत की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम नगर पालिका को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अच्छा बताइए, यहाँ पे जो एक खूबसूरत से जो यहाँ पे जो घास लगाए गए हैं उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? देखकर क्या लग रहा है आपको? ये सब घास हमको लगता है इम्पोर्ट किया गया है विदेशों से, और यहाँ पे बड़ी मेहनत से प्लांटेशन घासों का किया गया है, इसमें हमारे अधिकारीगण का मेहनत साफ साफ दिखता है। अभी हमारे साथ यहाँ हमारे एक मित्र भी आए हुए हैं जो यहाँ घूमना चाहते थे, हम उनको लेके आए हैं। अब बताइए यहाँ पे जो विदेश से जो लाए गए जो इम्पोर्टेड पेड़ आपको दिख रहे हैं, जो हजारों रुपए के खर्चे से यहाँ पे ला के लगाया गया है, उसको देखकर आपको क्या लग रहा है, कैसे हैं ये पेड़? ये पेड़ मैंने पहली बार देखा है जिसमें फूल की जगह कांटे सुशोभित हो रही हैं, और इसका मेंटेनेंस करना और इसका रखरखाव करना बहुत ही कठिन है, बहुत ही अच्छा पेड़ है। अच्छा यहाँ ये सुंदर से जो रास्ते हैं उसके बारे में बताइए। रास्ते तो दिखाइए आप। हाँ रास्ते तो दिख रहे हैं, बहुत ही शानदार रास्ते हैं, इतने चौड़े और इतने बेहतरीन रास्ते संगमरमर के हमने पहली बार देखे हैं। इतना अच्छा कि 40-50 लोग एक साथ निकल जाए बिना दिक्कत के। ये आप यहाँ पे सीट देखेंगे, बहुत ही अच्छा सीट है बैठने के लिए, और आपको इसके बैठने के लिए विभिन्न मुद्राओं का उपयोग करना पड़ेगा जिसके आपको आपका योगा और एक्सरसाइज एक साथ हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे मुद्राओं का आपको उपयोग करना पड़ेगा बैठने के लिए। और आप देखिए घास के साथ यहाँ पे विदेशी पेड़ के रूप में बेमची, ठेसकी और केची पेची सब लगे हुए हैं, इसको मेंटेन करना कितना कठिन है। ये लैंडमार्क देखिए, लैंडमार्क देखिए आपका, ये रोशनीदार धूल धूल से बचाने वाला, इसमें आप देखिए एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है। इसके ऊपर जो खूबसूरत सा जो शेड लगा हुआ उसके बारे में बताइए। हाँ वो एक्चुअल में शेड नहीं है, एयर प्यूरिफायर है जिससे कि शुद्ध ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके बिल्कुल ऑक्सीजन ही आप तक पहुँचाता है। ये जो सेंट्रल फाउंटेन है उसके बारे में, ये जो हमारा सेंट्रल फाउंटेन जो यहाँ का जान है, जान फाउंडेशन, ये जो वाटर फाउंडेशन है इसको विदेश से मंगाया गया है। इसके जो सेंटर में आप देखेंगे बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया है ताकि साफ पानी फाउंटेन में बहे, और देखिए आप बह रहा है, शानदार बह रहा है, ऐसा आप कहीं विदेश में भी नहीं देख सकते। ये इम्पोर्टेड क्वालिटी का नजर आ रहा है हमको ये। और ये जो बीच में जो रोड है जो मुख्य मार्ग से आते हुए गार्डन के अंदर उसके बारे में बताइए, जो लाइट जो लगे हुए जगमगाते हुए। ऐसे लाइट हमने शायद ही भारत में देखे होंगे, और इसमें आप रात में सुई भी ढूंढने का काम कर सकते हैं, और ये 24 घंटे जलते रहते हैं। और ये जो सेंट्रल कैफेटेरिया है, ये सेंट्रल कैफेटेरिया उसके बारे में, यहाँ 24 घंटे आपको पे उपलब्ध होता है, खाने की सामग्री उपलब्ध होती है, आप थक जाए तो उसमें आपको दूध लस्सी दही पूरा आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए नगर पालिका द्वारा बेहतरीन काम किया गया है।